लाइफ में छोटी छोटी खुशियां ना बहुत मैटर करती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अमेरिका में हम लोगों का कवरेज का चौथा पांचवा दिन था, वॉशिंगटन डीसी की बात है। और मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग होता है, एक थोड़ा सा टाइम आउट हो जाता है, अच्छा सा ब्रेक मिल जाता है। तो मैं और मेरे जो कैमरा पर्सन है, हम लोग वॉक करके अपने मीडिया सेंटर की तरफ जा रहे थे। एक होटल होता है जिसमें एक मीडिया के लिए रूम बनाया जाता है, उसे ही मीडिया सेंटर कहते हैं। तो जब हम लोग वॉक करके जा रहे थे, तो मैं क्या देखता हूँ कि करीब मतलब 20-25 मीटर की दूरी पर एक कॉफ़ी शॉप है। मुझे पता नहीं है बेसिकली वो कॉफ़ी शॉप है, क्योंकि बाहर उसके ग्लासेस थोड़े से टेंटेड थे डोर के, और बस दो डोर्स लगे हुए थे। लेकिन बाहर तक जो खुशबू आ रही थी ना कॉफ़ी की, वो अमेजिंग थी। मतलब यकीन मानिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ अलग ही चीज़ है। क्या है ना, मैं अंदर उस कॉफ़ी शॉप के अंदर चले गए, और जैसे ही मैं उस कॉफ़ी शॉप के अंदर गया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक कैपेचिनो आमंड मिल्क में और उसके साथ दो ब्राउन शुगर। तो उनका भी रिएक्शन वही था जो स्टारबक्स वालों का था, कि नहीं, हम ब्राउन शुगर नहीं देंगे। लेकिन इनका रिएक्शन के पीछे एक लॉजिक था। ही सेड, अगर मैं आपकी कैपेचिनो में ब्राउन शुगर मिक्स करूंगा, तो आई एम गोइंग टू मेस अप माई सिस्टम। मतलब वो जो उनकी कॉफ़ी मशीन में है, जो उसको जिससे वो कैपेचिनो बनाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा इट्स ओके, फेयर इनफ, तो जस्ट गिव मी अ कैपेचिनो, आई विल पुट ब्राउन शुगर। तो मैंने उनके कैपेचिनो ली, और प्लान ये था कि कैपेचिनो लेके हम आगे निकल जाएंगे। यकीन मानिए, इट वॉज द बेस्ट कैपेचिनो आई एवर हैड, एवर एवर। मतलब इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। मैंने कहा इसमें, उसको पलट के मैंने बोला, मैंने कहा इसमें कॉफ़ी में कोई शुगर की ज़रूरत ही नहीं, इट इज़ सो गुड। ही जस्ट स्माइल्ड, ही लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड। मैंने उससे कहा कि कैन आई टेक द पिक्चर्स ऑफ योर कॉफ़ी शॉप? ही सेड ऑफ कोर्स। उसका नाम था जेक, ZEKE, जेक कॉफ़ी शॉप। एनी वे, उसके बाद जब मैं इंडिया आया, मैंने कई जगह, आई वेंट टू मल्टीपल कॉफ़ी शॉप्स, कि वो वाली कॉफ़ी कहीं मिल जाए। लेकिन मजे की बात अब मैं आपको बताता हूँ। आज एक इंसिडेंट हुआ। सो आई वेंट टू स्टारबक्स, और मेरे पास बहुत कम टाइम था बिफोर माई शो, एंड आई वॉज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ड्रेन्ड आउट, क्योंकि हमारा जो शो होता है उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, एक शब्द ऊपर नीचे ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए। सो आई वेंट टू स्टारबक्स। वहाँ पर एक बहुत अच्छी पार्टनर, वहाँ पर स्टारबक्स में उनको पार्टनर्स कहते हैं, हर नेम इज़ उर्मिला। आई सेड, उर्मिला प्लीज़ एक लाते बना दो मुझे, और थोड़ा सा कोशिश करना कि दो ब्राउन शुगर से मिला दो। सो उर्मिला पहले एक मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई, विच वॉज इन नॉर्मल मिल्क। आई सेड आई एम सॉरी, मैं ओट मिल्क में लेता हूँ, आजकल मैं आमंड मिल्क को अवॉइड कर रहा हूँ, ओट मिल्क ले रहा हूँ, गर्मियाँ हो गई हैं तो ह्यूमिडिटी है, तो आमंड मिल्क की तासीर थोड़ी गर्म होती है, एंड आई कैन नॉट हैव मिल्क, मुझे ब्लोटिंग होती है, स्टमक अपसेट हो जाता है। सो शी सेड आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आपके लिए बनाती हूँ। एंड आई वॉज लीस्ट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जो वॉशिंगटन डीसी में कॉफ़ी का एक्सपीरियंस था, उसके बाद आई ट्राइड सो मैनी थिंग्स, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। बट कॉफ़ी आई, उसका कलर बहुत अच्छा था। आई टेस्टेड इट एंड इट वॉज ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, एज गुड एज वॉट आई हैड इन वॉशिंगटन डीसी। आई सेड, उर्मिला यू नेल्ड इट यार, थैंक यू सो मच। इंस्टेंटली मैंने स्टारबक्स को एक मेल किया, पुटिंग हर नेम फोर्थ, सेइंग कि शी इज ब्रिलियंट एंड वॉट शी इज मेड इज अमेजिंग, एंड आई हैव नॉट हैड एनीथिंग लाइक दिस इन इंडिया। और मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वेरी, जिसको कहा जाए कि एलीट या कुछ एक्स्ट्रा, बट यू नो देर आर फ्यू थिंग्स यू लाइक, कुछ शौक होते हैं आपके, मेरा एक शौक है अच्छी कॉफी पीना, क्या बुरा है उसमें, राइट? बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम उर्मिला। आई थॉट कि यार जल्दी से मिलेगा, पी के चले जाएंगे, बट द वे शी मेड इट, एंड यू नो वॉट दैट मेड मी रियलाइज, गुड थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स कैन ऑलमोस्ट बी देयर फ्रॉम द कॉर्नर्स विच यू लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम।